तमाम स्विचेस काम कर रहे हैं। ये यूएसबी पैनल्स हैं, ये देखें लाइट जल गई, ऑफ हो गया। ये बल्ब मैंने आपको दिखाया है, ये है चार्जिंग आपकी जो है ना, हर सीट के साथ चार्जिंग पॉड्स दिए हुए। ये देखें आप, ये टॉप पे है, ये आपका मिड पे है, इसी तरह नीचे भी दिया हुआ है। और एक एक आपका जो है ना रीडिंग लैंप जिसको कह लें, या एक छोटी लाइट, ये भी साथ दी हुई है। बिल्कुल फ्रेश और न्यू बोगीज है। गाड़ी नहीं चली लेकिन हरमिश को भूख लग गई है। दिन के टाइम जो है ना, इनकी कोई वो नहीं है रिफ्रेशमेंट, वो ये इवनिंग में। अच्छा दोस्तों, ये जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। ये भाई लेके आए हैं, ये समोसे हैं, ये इनकी तरफ से वेलकम में वो दिया गया है समोसे, और ये मैंगो शेक है या मैंगो जूस, जो भी समझ लें आप, मैंगो जूस है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इन्होंने दिया है अभी। अच्छा मैं टेस्ट भी करता हूँ और आपको टेस्ट करके भी बताता हूँ। सही है, बस मज़े की बात यह है कि ताज़ा है, फ्रेश है, लेकिन सही है, टेस्ट भी ठीक है, अच्छे टेस्ट में। दोस्तों बड़ा ही पुरसकून माहौल, मज़ेदार कमरा, अदमी ड्रामे देख रही है और मैं भी थोड़ा बहुत व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कोई इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। चाय वाय पी ली हम लोगों ने, बेहतरीन दूध पत्ती थी, गाड़ी बिल्कुल नई है, डब्बा बिल्कुल नया है, एकदम आउट क्लास, सीटें बहुत अच्छी, इवन दैट चार्जिंग जितने स्विचेज हैं, यूएसबी स्विचेज हैं, वो सब भी वर्किंग पोजीशन में है, और एसी भी बेहतरीन चल रहा है, पंखा भी बेहतरीन चल रहा है। ये देखें बच्चे ऊपर बैठे हुए अपने खाने पीने में, जो बच्चों का काम होता है। सही दोस्तों, वाटर डिस्पेंसर भी हर बोगी में लगा हुआ है, इवन इकॉनमी हो या सिंपल हो, वाटर डिस्पेंसर भी लगे हुए हैं। यार नहीं चाहिए बाहर, दोस्तों वाटर डिस्पेंसर अवेलेबल है। अच्छा दोस्तों, लाहौर पहुंच गए हम लोग,
अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से, बहुत पुरसकून सफ़र, ठंडा ठंडा सफ़र। लाहौर पहुंच गए तो चलें आपको थोड़ा सा लाहौर स्टेशन भी दिखा देते हैं। ये भी ट्रेन एसी में बैठी हुई है। लाहौर स्टेशन, खाने की आवाज़ें, आप सब इससे सब मानूस होंगे, महसूस होंगे। ये देखे जी, ये भाई हैं और ये ऑर्डर लेने आए हुए हैं। अच्छा दोस्तों, जो ट्रेन का जो खाना है ना कॉम्प्लीमेंट्री, वो उसमें थोड़ा लेट है। अरमिश को भूख लग रही थी तो अरमिश ने ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और ये पिज़्ज़ा आ गया है। पिज़्ज़े की जान हमने यहाँ पे नहीं छोड़ी, अब पिज़्ज़ा खाएगी अरमिश और हम लोग तो वही खाना खाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, ट्रेन लाहौर से निकल चुकी है। तकरीबन 40 मिनट के स्टॉप के बाद लाहौर से ट्रेन हमारी निकल गई है और अपनी मंजिल की तरफ चल रही है। ये देखें जी, एडम्स का जो है ना जीरा रायता, मतलब क्वालिटी भी अच्छी रखी हुई है, मयार बेहतरीन है। ऐसा नहीं है कि आपको खाना दे रहे हैं तो वो कोई ऐसी लोकल सा खाना होगा, स्टैंडर्ड है एक, उसको मेंटेन रखा हुआ है और अल्लाह करे आगे भी चलता रहे। तो दोस्तों खाना आ गया, ये भाई जो है ना माशाल्लाह से ये खाना लेके आ गए। ये देखें आप, बहुत खूबसूरत नफीस पैकिंग, ये पर पर्सन के हिसाब से ये एक ट्रे है। ये देखें अभी इसको खोलेंगे और आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या है। माशाल्लाह ये देखें दोस्तों आप, माशाल्लाह से ये पर पर्सन के हिसाब से ट्रे है। इसमें चिकन बिरयानी भी है, इसमें दाल भी है, चिकन कढ़ाई है, नान है और एक स्पून और केचप, आई थिंक नहीं सॉरी, मीठे में एक गुलाब जामुन है, वाह दाल है माशाल्लाह से। ये मैंने आपको बताया था कि सीधा पहले आ गया था। अच्छा खाना आ गया तो अब खाना ट्राई करके भी आपको बताते हैं। खाना मैंने आपको शो करवा दिया, जो ट्रे आया है, जो जो चीज़ें आई हैं माशाल्लाह से, वो शक्ल से बहुत खूबसूरत लग रही है, डिस्प्ले बहुत अच्छा है, इसकी सर्विंग बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा, बहुत प्यारा था। और अब इसका टेस्ट भी चेक करते हैं कैसा है। तो खाना खाते हैं, आपको टेस्ट भी बताते हैं इसका। बहुत अच्छी है, दाल का टेस्ट हलीम के स्टाइल का है, मसाले वाली दाल है बेहतरीन। और अब हम ट्राई करते हैं थोड़ी सी चिकन कढ़ाई, कढ़ाई मजे की है, रायता भी फ्रेश है, तो खाना तो बेहतरीन है। तो अब खाना खाते हैं, मिलते हैं आपसे खाने के बाद। अच्छा दोस्तों, पाकिस्तान रेलवे पैकिंग मैंने आपको दिखाई थी, ये रॉयल स्विस कोई है फ्रेंचाइज, उसके तावुन से जो है ना ये खाना दिया गया, मतलब ये उनके पास है, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है ना रॉयल स्विस वालों के पास है। ये जो स्टेशंस हैं उनके नाम दिए गए हैं। खाना बहुत मज़े का था, चावल थोड़े से फीके थे लेकिन गुलाब जामुन बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े का गुलाब जामुन था। और उसके बाद अगर नंबर दिया जाएगा तो वो ज़ीरे का रायता, लेकिन ओवरऑल इसका डिस्प्ले, इसकी सर्विंग, वन पर्सन के हिसाब से इसका जो है जो भी, बहुत मज़े का था, खाने का टेस्ट अच्छा लगा। अच्छा ये रॉयल स्विस की तरफ से जो ना एक अदद टूथपिक भी इस ट्रे में दी गई है, मैं इनका ये भी शेयर कर दूँ, बता दूँ, एक अदद टूथपिक रॉयल स्विस की तरफ से ये भी इस ट्रे में है। अच्छा ये हमारे पार्टनर है जी,
हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं अरफात भाई अपने भांजे के साथ, और ये क्रिकेटर हैं। इंशाल्लाह होप है, अल्लाह से दुआ है, ये बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम में नज़र आएंगे इंशाल्लाह। ये इस वक्त जो है ना कौन से क्लब से खेल रहे हैं? स्पोर्ट्स साइंस की तरफ से खेल रहे हैं, और दो इंटरनेशनल मतलब ये मैच खेल चुके हैं अंडर 19 की तरफ से, दो इंडिया के खिलाफ भी मैच खेल चुके हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको कामयाब करे। ये आज हमारे हम सफ़र हैं दोस्तों, ताश खेलने का बंदोबस्त हो रहा है, बहुत टाइट वाला, सीटें वीटें एडजस्ट हो रही है, ये भाई लोग हैं सब ताश के लिए। ये अंकल को बड़ी मुश्किल से हम घेर घार के इस तरफ लेके आए ताश खेलने के लिए। चार बंदे पूरे हो गए हमारे, ये हमारा टेबल सेट हो गया है, और अब हम थोड़ी सी तफरी करने लगे हैं। ताश भी तो रखो ना, पता नहीं मैं नहीं, अभी ताश की बनेगी, पूरी बनेगी। आप उधर नहीं बैठना, अंकल अपने पार्टनर है, अंकल ने आती है खेल ली, हाथ मुंह की पड़ेगी। हां वो तो रुक जाओ, जिसमें वो कैमरे में नजर आ रहे हैं अंकल के भी साफ नजर आ रहे हैं, बताओ आप नजर आ रहे हैं, चुप कर जाओ ना, मेरे पेट बताने वाली है। चले चले आए जी, चिड़ी की दूरी नहीं, उधर दूरी नहीं, इशारे इशारे नहीं भाई, नहीं नहीं चिड़ी की दूरी से शुरू है, आप यहां से शुरू कर दो भाई, कोई चक्कर नहीं, नहीं दूरी से इससे आप यहां से शुरू कर दो भाई। चले अंकल, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा दोस्तों, सुबह सुबह रोड़ी पहुंच चुके हैं हम लोग माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह अपने टाइम पे है गाड़ी, और एग्जैक्ट टाइम पे रोड़ी पहुंचे और रोड़ी से गाड़ी निकल गई। अभी सो के उठे, ये सामने आपको खजूरों के बाग नज़र आ रहे होंगे जो कि रोड़ी की पहचान है, और अब फ्रेश होंगे, थोड़ा सा मुँह वो धोते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। दोस्तों रोड़ी से निकलते वही रॉयल स्विस और यूनिकॉर्न के तावन से पाकिस्तान रेलवे ने ये एक ट्रैवलिंग किट दी है, बॉक्स दिया है छोटा सा सुबह सुबह, ताकि आप लोग उठें और फ्रेश हो जाएं। ये उसके लिए बॉक्स है, ये देखते हैं इसमें क्या है। अंदर से ये तीन बॉक्सेस निकले, आई थिंक ये तो कंघा होगा छोटा, बिल्कुल ये छोटा कंघा है जी, ये टूथब्रश और छोटी सी टूथपेस्ट है, और ये जो है ना एक नई चीज़ इन्होंने डाली है, लास्ट टाइम जो था ना वो एक टावल और इस किस्म की चीज़ थी, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने एक छोटा रेज़र सुबह सुबह शेव करने के लिए, और ये एक शेविंग जेल दी है साथ, इस दफ़ा ये इन्होंने डाल दिया चीज़, और ऐसा टावल इन्होंने ख़त्म कर दिया, टावल नहीं है इसमें ना, ये तीन चीज़ें दी हैं कि आप फ्रेश हो जाएं, उसके बाद ये नाश्ता ले आएंगे और नाश्ता करें और अपने दिन का आगाज करें। तो दोस्तों नाश्ता आ गया है, नाश्ते में इन्होंने दिया है जी एक पतला सा पराठा और एक ऑमलेट और एक मग चाय का। तो जब कराची से ट्रेन वापस आएगी तो फिर वो ब्रेड जैम ऑमलेट मक्खन चाय, वो कराची से आने वाला नाश्ता है, और ये जब लाहौर से जाएगी कराची के लिए तो ये नाश्ता है। तो बस फिलहाल इस पर गुजारा करना पड़ेगा, एक पराठा एक अंडा और एक कप चाय। तो चले नाश्ता करते हैं और फिर बाकी बातें नाश्ते के बाद। नहीं जी, फाइनली हम लोग कराची पहुंच गए, रिंग रोड स्टेशन पे उतरे हैं, बड़ी अफरा तफरी में उतरे हैं, सामान वामान उतार लिया, गाड़ी आपके सामने वापस जा रही है। ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। हाँ हाँ।
अपना भी दिया उनका भी दिया।